रेस्पिरेशन, ठीक है, तो रेस्पिरेशन देखेंगे ऑफ एस्केलेमेंथिस, ठीक है, तो ये जनरल बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन तो है जनरल बॉडी सरफेस से है ही, ठीक है, लेकिन अगर पैरासिटिक फॉर्म से क्यूटिकल है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये जनरल बॉडी सरफेस से जनरली होता है, लेकिन ये क्या हो सकता है, ये पैरासिटिक फॉर्म्स है तो कर सकते हैं, पैरासिटिक लिख देगा, पैरासिटिक फॉर्म्स अगर हैं तो ज्यादातर क्या होते हैं, दे आर फैकल्टेटिव अरोब्स, ठीक है, तो ये फैकल्टेटिव अरोब्स होते हैं, ठीक है, देखे थे ना प्लैटीएलमेंथिस, ठीक है, आर फैकल्टेटिव अरोब्स, ठीक है, मतलब फैकल्टेटिव अरोब्स कहने का मतलब क्या हुआ, फैकल्टेटिव अरोब कहने का मतलब क्या हुआ, ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली अनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, RESPIRATON, तो दे आर मोस्टली अनरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी जिंदा रह सकते हैं, तो अरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, यही है ना, अरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव, ज्यादातर यही होते हैं इसमें, लेकिन एक्सेप्शन एक याद रखना है, एस्केरिस जो है ना, एस्केरिस, ठीक है, ये जो होता है, ये होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, ठीक है, यहां पर क्या है, अरोब है ना, यहां पर अनरोब, ये ध्यान देना है, दिस इज फैकल्टेटिव अनरोब, तो अगर पूछेगा एस्केरिस क्या है, फैकल्टेटिव अनरोब है, लेकिन और सब फैकल्टेटिव अरोब, ठीक है, तो फैकल्टेटिव अरोब अनरोब कहने का मतलब क्या हुआ, कि कभी कभी बताए थे ना फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी अनरोब, मतलब ज्यादातर अरोब, तो कहने का मतलब ये अरोब होते हैं, ये क्या होते हैं, अरोब होते हैं, मतलब दे परफॉर्म व्हाट, अरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, अरोबिक रेस्पिरेशन, तो हम सीधे अरोब लिख देते हैं, ज्यादा बेटर, दे आर अरोब, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन समटाइम्स अनअरोब हो सकते हैं, तो यहां पर लिख भी दे रहे हैं ये समटाइम्स, ठीक है, तो ये मोस्टली, और ये क्या हुआ, समटाइम्स, कहने का मतलब ये अरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा फिर भी ये जिंदा रहेंगे कुछ दिन, ठीक है, उसी तरह यहां पर अनअरोबिक रेस्पिरेशन, इसको भी हम क्या करते हैं, अनरोब लिख दे रहे हैं, अनअरोब मतलब ये क्या हुआ, मोस्टली, मतलब कि ऑक्सीजन के एक्सेस में, लेकिन ऑक्सीजन देंगे ना तो ये क्या हो गया, अरोबिक रेस्पिरेशन, अरोब भी होगा, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं हम, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं AEROB, अरोब, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से कि जनरल बॉडी सरफेस से भी होगा, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस ही होगा, ठीक है, फैकल्टेटिव अरोब जनरली है, तो ये क्या हो गया, अनरोब, ठीक है, अनरोब मतलब मोस्टली, तो मोस्टली ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायर करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन देने पर भी करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन एक एस्केरिस आपको याद रखना है, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन लेते भी है तो कहां से लेते हैं, मेनली जनरल बॉडी सर्फेस से, ठीक है, तो दिस इज रेस्पिरेशन, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन, नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन देखेंगे, ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है, कैसे, तो एक्सक्रीशन एक्चुअली में देखेंगे इट, ठीक है, इन इट द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय एच सेपेड एक्सक्रीटरी ग्लास, ठीक है, तो जो ऑर्गेन होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी, और ये एच सेपेड का होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एच सेपेड एक्सक्रीटरी कनाल्स, ठीक है, और इसी को एक्सेपेट जो होता है इसको कहते हैं रेनेट सेल, RENET, रेनेट सेल, तो ये याद रखेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, इससे पहले था प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स, यहां पर रेनेट सेल, तो रेनेट सेल से किससे होता है, इट इज अ एक्सेपेट एक्सक्रीटरी कनाल होते हैं ये, इससे होता है, ठीक है, तो ये रेनेट सेल से, ठीक है, ये कैसा होता है एक्सेपेट, ये देखिए बनाते हैं, तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ एक्सेपेट है ना, तो नाम से लग रहा है एक्सेपेट है, ठीक है, मतलब ये कैसा होता है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे,
ये और एक एंड क्या है, ये खुला हुआ कहीं एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी पोर जितने भी ये दिख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं क्या है, लंबा सा है ना कनाल, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लंबा सा लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कनाल कहते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी कनाल है ना, लॉन्गिट्यूडनल है, और दो लॉन्गिट्यूडनल को जोड़ने वाला को क्या कहते हैं हम, दैट इज ट्रांसवर्स। तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कनाल, एक्सक्रीटरी कनाल। तो दो तरह के एक्सक्रीटरी कनाल है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो दो लॉन्गिट्यूडनल है और इसको जोड़ने वाला क्या है, ट्रांसवर्स। और ये सब फाइनली जो भी वेस्ट है इधर से जाके कहां, एक्सक्रीटरी पोर से बाहर पड़ रहा है। तो देखने में ये कैसा है, एच से पेड एक्सक्रीटरी कनाल है ना, तो इसी को कहते हैं क्या, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाई एच से पेड एक्सक्रीटरी कनाल्स, ठीक है, और एक्सक्रीटरी पोर से निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी मैटर, तो अमोनिया, ठीक है, ये याद रखेंगे, इट इज जनरली अमोनिया निकालते हैं, अमोनोटेलिक, तो अमोनिया, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, इट इज अमोनोटेलिक, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन। फिर इसके बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ले लीजिए, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जनरली क्या होगा, जनरली इट कंसिस्ट ऑफ, वही ब्रेन रिंग करते थे ना, तो इट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग, ठीक है। तो ये क्या का बना होगा, नर्वस सिस्टम, ये नर्व रिंग का बना होगा, ले लीजिए नर्व रिंग, ठीक है। नर्व सेल्स होते हैं एंड गैंग्लियंस होते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये सेम चीज है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या, सेंसरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, सेंसरी सिस्टम। तो देखते हैं सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, ठीक है। तो जैसे अभी एस्केरिस का हम लिप्स ही देखे थे, तो लिप्स में क्या था, एफिड्स था, पैपिले था, तो ये सब क्या हो गया, दीज ऑल आर सेंसरी सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम इनमें देखेंगे, ठीक है, सेंसरी सिस्टम। तो सेंसरी सिस्टम में इसके बॉडी के एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट दोनों में सेंसरी सिस्टम होंगे, ठीक है, क्या होंगे, दोनों में। तो एंटीरियर पार्ट में अगर देखेंगे बॉडी के, बॉडी के एंटीरियर पार्ट देखेंगे, बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट देखेंगे, ठीक है, दोनों। तो एंटीरियर पार्ट में भी होगा और पोस्टीरियर में, तो जो एंटीरियर पार्ट में होगा, एंटीरियर पार्ट में तो क्या होगा, माउथ के अराउंड, और ये माउथ चाहे इसी को क्या कह सकते हैं, माउथ के अराउंड मतलब क्या होगा, लिप्स कर सकते हैं, ठीक है, एंटीरियर पार्ट माउथ और लिप्स में, और पोस्टीरियर पार्ट मतलब क्या होगा, टेल और एनस कर सकते हैं, एनस और टेल, ठीक है, एनस और टेल, ठीक है, वहां। तो ये एंटीरियर पार्ट में जो देखेंगे ना, एक्चुअली में क्या पाया जाएगा, एंटीरियर पार्ट लिप्स में ना, ये लिप्स, तो लिप्स में क्या पाया जा रहा है, ठीक है, इसको माउथ ना करके हम क्या लिख दें, ज्यादा बेटर रहेगा, लिप्स, तो लिप्स, तो लिप्स में देखे तो थे, लिप्स में थे क्या, सेंसरी पैपिले थे ना, क्या थे, पैपिले, ठीक है, PAPILLE, और क्या था, एम्फिट्स बताए थे, एम्फिट्स, ये दोनों, ठीक है। तो हम बताए थे वेंट्रोलेटरल, दोनों वेंट्रोलेटरल लिप्स जो थे उसमें एक एक एम्फिट्स होते हैं, ठीक है। तो एम्फिट्स कितने थे, दो होते थे इन ईच वेंट्रोलेटरल लिप्स, ठीक है। और ये क्या हुआ, पैपिले, सेंसरी पैपिले थे, ऊपर होते थे डॉर्सल वाले में दो, नीचे वाले में एक एक, ठीक है, सेंसरी पैपिले। तो ये एक्चुअली में ये क्या है, ये कीमोरिसेप्टर है, क्या के लिए है, ऑल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर फॉर स्मेल के लिए, इट एक्ट्स एज ऑल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टर फॉर स्मेल, फूड को। उसी तरह पैपिले, सेंसरी पैपिले देखे थे, ये टच के लिए है, तो टच के लिए क्या होता है, टैंगो रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर फॉर वाटर, फॉर टच। तो ये ध्यान देना है, ये दोनों एंटीरियर में, ठीक है। पोस्टीरियर में देखेंगे तो पोस्टीरियर में और भी होते हैं, फास्बिड्स होते हैं,
पोस्टीरियर पार्ट टेल और एनस जो है वहां पर क्या होगा, फास्मिड्स होंगे। क्या होंगे? दिस इज फास्मिड्स। ठीक है, तो फास्मिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पोस्टीरियर में, ये याद रखना है, इट इज ऑल्सो कीमोरिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इट इज एक्चुअली इट इज ऑल्सो कीमो रिसेप्टर और ये फास्मिड्स। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये फास्मिड कहां होता है, तो ये फास्मिड एक्चुअली में देखेंगे इस तरह, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए होता क्या है, ये ऐसे, ये दिस इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, और ये क्या है, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दोनों मिलते हैं ना, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं क्लोका। क्या कहते हैं? क्लोका, कॉमन CLOSCA, क्लोका। ठीक है, क्लोका और क्लोकल अपर्चर। ठीक है, ये मेनली एक्चुअली क्लोका कहां होता है, मेल स्कैरिस में होता है, मेल में। ठीक है, अब इस क्लोका के बगल में एक पेयर देख रहे हैं, क्लोका और एनस भी कहते हैं ना, ठीक है, तो वही कर सकते हैं एनस के बगल में। ठीक है, यहां पर मेल में क्लोका होता है, फीमेल में क्या होता है, एनस। ठीक है, तो ये क्लोका इसी के बगल में हम देख रहे हैं, क्या है, दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं फास्मिड, फास्मिड्स। ठीक है, फास्मिड्स, तो यही कीमोरिसेप्टर। तो ये फास्मिड एक्चुअली में है क्या, ये फास्मिड एक्चुअली में पेयर्ड होता है, ठीक है, और यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ये याद रखना है, फास्मिड इट इज पेयर्ड, एक जोड़ा, ठीक है, एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, याद रखना है, इट इज पेयर्ड, फास्मिड इज पेयर्ड एंड यूनिसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, और ये कहां पर है, क्लोका और एनस जो होगा ना इसके बगल में है। ठीक है, ये है, तो ये हो गया। अब एक चीज और देखेंगे, मेल है ना, मेल में, तो मेल में इसके नीचे बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऊपर भी होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्री एनल पैपिला। ठीक है, ये प्री ऊपर है ना, एनस के ऊपर, तो प्री एनल और यहां पर पोस्ट एनल। ठीक है, तो ये है, इसको कहते हैं ऊपर होता है, मेल में सिर्फ होगा ये प्री एनल पैपिला इसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पोस्ट एनल पैपिले कहते हैं। ठीक है, तो ये प्री एनल पैपिले, पोस्ट एनल पैपिले, तो ये जो होता है ना करीब 5 pairs होते हैं मेल में, और ये पैपिले प्रियोनल पैपिले, ये जो होगा ये कितना होगा, 50 pairs होते हैं। तो अभी मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस में अंतर देखेंगे, तो वहां पढ़ेंगे कि ये प्री एनल एंड पोस्ट एनल पैपिला आर प्रेजेंट ओनली इन मेल, फीमेल में नहीं होता है। मेल में क्लोका होता है, फीमेल में एनस होता है, तो अभी हम आगे देखेंगे डिफरेंस में। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज और देखना है, याद रखना है कि ये जो देख रहे हैं ये वाला एक्सक्रीटरी कैनाल क्या है, सेपरेटेड सेल्ला, ये पूरे बॉडी में होता है, पूरे बॉडी में ऐसे है फैला हुआ है। ठीक है, तो ये पूरे बॉडी में, मतलब कि दिस इज, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट, तो हम कह सकते हैं ये जो एक्सक्रीटरी कैनाल है, ठीक है, एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन होल लेंथ ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, एपेंडिक्स सेल यहां लिख रहे हैं, प्रेजेंट इन होल लेंथ ऑफ बॉडी। ठीक है, दैट इज आगे ऊपर भी होते हैं पूरा इस तरह का लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सभी जगह, तो याद रखेंगे पूरा ऐसे है बॉडी में, एंटीरियर और पोस्टीरियर पूरा, मतलब ये ऐसे है पूरा, ऐसे और इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये एम्फिट्स देख लिए, पैपिला देखे थे माउथ में, ये फास्मिड याद रखेंगे कहां पर है, एनस और क्लोका के बगल में, पेयर्ड है एंड इट इज पेयर्ड, ये पेयर्ड है और यूनिसेलुलर ग्लैंड है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, तो ये हुआ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन देखना है इसमें,
तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल आरईपीएन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, ठीक है, विल सी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म पहले देखेंगे तो कैसा होगा, तो एस्कैरिस है, अभी हम पढ़ेंगे एस्कैरिस में दोनों डिफरेंस मेल और फीमेल में, ठीक है। तो एस्कैरिस जो है उसमें देखेंगे मेल फीमेल अलग होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स होते हैं, और मोनोसियस, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जनरली क्या होते हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बाद दैट इज देखेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो कैसा होगा फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है, मेल फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एस्कैरिस के बारे में डिफरेंस बता ही दे रहे हैं यहीं पर। तो एस्कैरिस जो देखेंगे, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको कि एस्कैरिस यूनिसेक्सुअल अलग अलग, तो मेल और फीमेल अलग अलग है सेपरेट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख ले रहे हैं हम यहां, ठीक है, दोनों में विल सी द डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस एक थोड़ा सा देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखेंगे मेल और फीमेल में, तो इससे याद आ जाएगा आपको कि एस्कैरिस का एग्जांपल क्या था, अलग अलग था, सेपरेट सेक्सेस वेयर सेपरेट और सेक्सेस सेपरेट थे, तो ये यूनिसेक्सुअल थे, ठीक है। अब देखिए इसमें देखेंगे मेल और फीमेल, ठीक है, तो मेल जो देखेंगे, ठीक है, इसमें साइज देखेंगे मेल का, मेल एस्कैरिस के बारे में साइज, तो ये क्या होता है, ये लॉन्गर होता है, ये बड़ा होता है, और ये क्या कहेंगे, दिस इज लॉन्गर एंड दिस इज स्मॉलर, छोटा होता है, फीमेल छोटा होती है, ठीक है। दूसरा साइज पोस्टीरियर, ठीक है, एंड पीओएसटीई आर आई ओ आर, ठीक है। तो पोस्टीरियर एंड देख रहे हैं, ठीक है, तो पोस्टीरियर एंड जो होता है, ठीक है, एस्कैरिस में जो भी है पोस्टीरियर एंड देखेंगे, जो भी पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, वो कैसा होगा, तो यहां पर देखें इसका एस्कैरिस को बना है इस तरह हम दिखा दिए, ये मेल है और इधर क्या है, ये फीमेल, ठीक है। एस्कैरिस ये मेल एस्कैरिस में यहां जो है माउथ कहते हैं इसको, दिस इज माउथ, और ये क्या है फीमेल का, ये माउथ, और ये देखिए ये क्या है इसका, यहां पर एनस होता है, एनस डाइजेस्टिव सिस्टम खुल रहा है, एनस यहां पर एनस नहीं होता, यहां पर एनस की जगह पर क्या होता है, बताया थे ना क्लोका होता है मेल में, ठीक है। क्लोका मतलब क्या हुआ, क्लोकल अपर्चर मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब इससे स्पर्म भी निकलेगा, ठीक है, मतलब मेल है ना, तो इससे स्पर्म भी इसी कैविटी से निकलेगा, इसी से अनडाइजेस्टेड फूड भी निकलेगा, दोनों का कॉमन ओपनिंग को बताया था ना, वो है क्लोका। तो क्लोका इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्पर्म इससे निकलेगा और इससे डाइजेस्टिव फूड भी निकलेगा, अनडाइजेस्टेड फूड, यहां क्या है सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा, तो इसमें कह सकते हैं क्लोका है इसमें एनस, इसमें माउथ ये, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, पोस्टीरियर एंड देखेंगे इसका क्या है, पोस्टीरियर एंड वहां पर मुड़ा हुआ है, इसका मुड़ा हुआ नहीं है, तो ये कैसा होगा, तो ये कह सकते हैं कि इट इज पोस्टीरियर एंड इज कर्व्ड, कर्व्ड मतलब मुड़ा होता है, फीमेल में स्ट्रेट है, मुड़ा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद पोस्टीरियर एंड है ना, अब हम देखेंगे पोस्टीरियर ओपनिंग, ठीक है, मतलब कि पोस्टीरियर ओपनिंग नीचे की ओर, ओपनिंग क्या है, तो ओपनिंग पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है, तो आप खुद बताइए पोस्टीरियर ओपनिंग को क्या कहते हैं, यहां पर क्लोका कहते हैं, एनस नहीं, पर यहां पर क्या कहते हैं हम, एनस कहते हैं। तो कॉमन ओपनिंग को क्या है, कॉमन ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज क्लोका, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर क्लोका है ना, क्लोका के पास से यहां दो ऐसे धागा जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं पीनियल सीटे, क्या कहते हैं, पीनियल एसईटीई सीटे और स्पीक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए पीनियल सीटे और स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स ये दोनों के दोनों, ये वाला देख रहे हैं ना, पीनियल सीटे हो चाहे स्पीक्यूल्स, ये इसमें होगा इसमें नहीं होगा, इसमें होगा इसमें
नहीं होगा। तो एक्चुअली टीनेज सीटें यहां है, यहां पर क्या होता है फीमेल गोनोपोर होता है, क्या होता है फीमेल गोनोपोर, तो फीमेल गोनोपोर ठीक है। तो होता क्या है, ये देखिए स्पर्म इसी से निकलेगा ना, जो भी स्पर्म बनेगा टेस्टिस में इसी से निकलेगा ठीक है, और ये निकल के क्या होगा, तो ये क्या होता है ये पीनियल सीटें जो है ना कॉपुलेशन में हेल्प करता है। इस पीनियल सीटें क्या है स्पीक्यूल्स, इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन, मतलब कि दोनों के दोनों जो है को कॉपुलेट करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन ठीक है। तो कॉपुलेशन में हेल्प कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये होता क्या है कि ये देख ये वाला है ना ये एस्केरिस, ये एस्केरिस देखिए ऐसे, ये एस्केरिस इसका था ना ये यहां देखिए ये फीमेल का गोनोपोर है, मेल इस तरह आता है, मेल अपना जो है इस तरह प्लेस करता है ऐसे इसके ऊपर, और इसका स्पीक्यूल्स क्या है इस ओपनिंग को खोलता है, ये जो पीनियल सीटें हैं स्पीक्यूल्स इसके फीमेल गोनोपोर को खोलेगा, और खोलकर जो भी स्पर्म है अंदर डाल देगा ना, अंदर डाल दिया फीमेल गोनोपोर, अब अंदर चला गया तो अंदर एग है तो फ्यूजन फ्यूज किया ठीक है, फ्यूज करके जायगोट बनाएगा ना, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है अंदर हो रहा है बॉडी के ना, इसीलिए क्या कहेंगे फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल, तो आपको ऐसे याद रहेगा मेल फीमेल अलग है यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन अंदर बॉडी के हो रहा है ठीक है, तो ये क्या हो गया दैट इज इंटरनल ठीक है। इसके बाद तो ये अंतर हो गया ठीक है, और अंतर क्या हो गया, तो क्लोका पिनियल सीटें ठीक है, और अंतर कहेंगे ये कर्व्ड होता है ये स्ट्रेट होता है, ये देखेंगे यहां पर ठीक है। तो प्री एनल पैपिले और पोस्ट एनल पैपिले ये सब क्या होते हैं, वो सब दैट इज एब्सेंट ठीक है, प्री एनल पैपिले एंड पोस्ट एनल पैपिले एब्सेंट ठीक है। तो यहां लिख दें प्री एनल एंड पोस्ट एनल पैपिले करते हैं, तो प्री एनल पैपिले और पोस्ट एनल पैपिले ठीक है। तो ये बताए थे ना ये कितने होते हैं, ये 50 पेयर्स ये 5 पेयर्स, तो ये दोनों के दोनों यहां पर क्या होंगे होगा इसमें नहीं होगा ठीक है। तो ये याद रखेंगे मेनली डिफरेंस है एस्केरिस में, तो ये लिखिए यूनिसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इंटरनल, अब खुद बताइए फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज, क्लीवेज कैसा होगा, तो क्लीवेज जो है जितने भी देखेंगे क्लीवेज, क्लीवेज कहने का मतलब कौन सा, क्लीवेज कहने का मतलब देखे थे अभी इससे पहले भी देखे थे ठीक है, सभी में क्या था दैट इज होलोब्लास्टिक स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट ठीक है। क्लीवेज के बाद आ जाइए डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट कैसा होगा, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होगा ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होगा और डायरेक्ट भी होगा ठीक है। तो डायरेक्ट होगा मतलब क्या होगा, लार्वा प्रेजेंट ठीक है, लार्वा बनेगा ठीक है, और ये लार्वा जो बनेगा इसमें बनते हैं उसमें लार्वा को बहुत सारे नाम है जैसे कि रैबिडिटॉइड और रैबिडिफॉर्म लार्वा ठीक है। तो ये एस्केरिस के लार्वा है ठीक है, तो चार पांच लार्वा बनते हैं रैबिडिफॉर्म 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ठीक है। इसके बाद कहते हैं माइक्रोफिलेरिया, माइक्रोफिलेरिया लार्वा ये होता है फिलेरिया वर्म, फिलेरियल वर्म क्या कहते हैं वाउचेरेरिया होता है उसमें ठीक है। उसी तरह फिलेरिफॉर्म, फिलेरिफॉर्म लार्वा ठीक है, तो इसको कहते हैं दैट इज हुकवर्म, हुकवर्म को अंकाइलो स्टोमा में ठीक है इसमें। अब एक चीज याद रखना है कि ये लार्वा जो होते हैं ना, एक चीज याद रखना है ये लार्वा जो होते हैं इसमें ठीक है, तो ये लार्वा यूटेली शो करते हैं फिनोमेना। यूटेली क्या है, यूटेली क्या है कि द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ लार्वा एंड अडल्ट ठीक है डेवलपमेंट ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम, नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट डेवलपमेंट ठीक है, अडल्ट डेवलपमेंट
ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट डेवलपमेंट रिमेन्स सेम। कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज नोन एज यूटेली। तो लार्वा शोज व्हाट, यूटेली फेनोमेना, इसको यूटेली कहते हैं कि यूटीलियर वाई। ठीक है, यूटेली क्या हो गया कि अभी देखिए जो लार्वा होगा ना, जितने भी सेल है लार्वा में, ठीक है, जितने भी लार्वा में सेल है उतना ही सेल क्या होता है एडल्ट में होता है, मतलब सेल बढ़ता नहीं है। इसका मतलब क्या होता होगा कि सेल केवल साइज में बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है, उसको कहते हैं यूटेली। ठीक है, तो दिस इज ऑल डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। और ये क्या माउथ है, एनस है, और ये क्या हुआ फीमेल गोनोपोर है, ठीक है, ये फीमेल गोनोपोर पीनियल सीट है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया नीमाटोडा। ठीक है, तो ये जो नीमाटोडा देख रहे हैं इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, डिवाइडेड टू क्लास। ठीक है, और वो कौन कौन सा है, तो वो है दैट इज ऑफाजमिडा एंड फाजमिडा। ठीक है, ऑफाजमिडा, ठीक है, और दूसरा जो है फाजमिडा। ठीक है, ऑफाजमिडा और दूसरा जो है फाजमिडा, E-H-S-M-I-D-A, ठीक है, फाजमिडिया और ऑफाजमिडा कुछ भी कर सकते हैं। तो फाजमिडा और ऑफाजमिडा किस बेसिस पर किया गया है, इट इज ऑन विच बेसिस, तो नाम से लग रहा है कि फाजमिड के बेसिस पर। फाजमिड देखे थे ना क्या है, कीमो रिसेप्टर है। ठीक है, तो बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ प्लस एनसीई माइनस एनसीई, प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ फाजमिड्स, तो फाजमिड्स है नहीं कि नहीं। ठीक है, तो मेल में फाजमिड कहां पर होगा, ये मेल और फीमेल दोनों में होगा, ध्यान दीजिएगा, वहां लिख लीजिएगा फाजमिड मेल और फीमेल दोनों में होगा। तो अगर फाजमिड कुछ में नहीं होते हैं तो वो हो गया। तो इसमें एक एग्जांपल जिसमें कि फाजमिड क्या है माइनस एनटी और इसमें फाजमिड प्रेजेंट। ठीक है, तो फाजमिड नहीं है तो इसमें एक एग्जांपल है डेस्मो स्कॉलेक्स, यही बताए थे कि कैसा होता है ये एक्वेटिक होता है, पानी में पाए जाते हैं डेस्मो स्कॉलेक्स। उसी तरह फाजमिड में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको याद रखना है, एस्कैलिस लुम्ब्री कॉइडेस। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एस्कैलिस लुम्ब्री कॉइडेस। तो एस्कैलिस लुम्ब्री कॉइडेस जो है आपको हम बता चुके हैं इसके बारे में, दोनों में अंतर सारी चीज। ठीक है, इसके बाद तो एस्कैलिस लुम्ब्री कॉइडेस, तो एस्कैलिस क्या होता है, इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं थ्रेड वर्म कहते हैं, वायर वर्म कहते हैं। ठीक है, सब इसी का नाम है, थ्रेड जैसा होता है, वायर वर्म कहते हैं, ईल वर्म कहते हैं, बहुत सारा नाम राउंड वर्म सही को मान ली। ठीक है, इसके बाद एस्कैरिस के बाद जो देखेंगे, ठीक है, और भी होते हैं, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज अनकाइलो स्टोमा, अनकाइलो स्टोमा। ठीक है, अनसाइलो स्टोमा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इट इज कॉमनली नोन एज हुक वर्म, इसको हुक वर्म कहते हैं। तो नाम से लग रहा है हुक वर्म कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हुक होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इसके बारे में तो नहीं पढ़ना है, इट हैज हाउ मेनी हुक्स, सिक्स हुक्स प्रेजेंट। इसके लार्वा को क्या कहते हैं, फिलारीफॉर्म लार्वा। इसके लाइफ साइकिल में जो लार्वा बनेगा उसको क्या कहेंगे, फिलारीफॉर्म लार्वा। ठीक है, तो छह हुक्स होते हैं, फिलारीफॉर्म लार्वा होते हैं। ठीक है, हुकवर्म, और ये जो देखेंगे हुकवर्म है ना, ठीक है, तो ये हुकवर्म जो है छह हुक सकते हैं होते हैं, फिलारीफॉर्म लार्वा है। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं, ये जनरली इन्फेक्ट करते हैं कहां पर, इंटेस्टाइन को, हुक है ना, तो इंटेस्टाइन में हुक के इससे सटे हुए हैं, तो ये इंटेस्टाइन में होते हैं, इंटेस्टाइन में। वहां से क्या होता है, डायरेक्टली अटैक्स आरबीसी, आरबीसी को डायरेक्टली अटैक करते हैं, और ये क्या कर देंगे, अनीमिया कर देते हैं, तो इट में कॉज अनीमिया। ठीक है, तो याद रखना है कि अनकाइलोस्टोमा, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, दो एग्जांपल। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और वहां से डायरेक्टली अटैक करते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा, तीसरा जो है आपको याद जो रखना है वो याद रखिएगा, वाउचेरिया।
WUCHERERIA वाउचेरेरिया, ठीक है, बनक्रॉफ्टी BANCROFTI याद रखेंगे बनक्रॉफ्टी। एक और इसी में और भी हो सकते हैं, ठीक है, इसको कह सकते हैं वाउचेरेरिया बनक्रॉफ्टी हो गया ना, उसी तरह वाउचेरेरिया बनक्रॉफ्टी तो कह सकते हैं वाउचेरेरिया, ठीक है, मलाई MALAYI मलाई, ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे वाउचेरेरिया बनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरेरिया मलाई स्पीसीज है, तो वाउचेरेरिया याद रखेंगे, ठीक है। तो वाउचेरेरिया इज एग्जांपल ऑफ दिस। तो वाउचेरेरिया जो है ये फिलेरिया करता है, क्या करता है, मलेरिया नहीं फिलेरिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मलेरियल पैरासाइट। सो फिलेरियल पैरासाइट तो बनक्रॉफ्टी और यहां लिख देते हैं वाउचेरेरिया MALAYI, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बनक्रॉफ्टी मलाई, ये याद रखना है तीन चार पॉइंट, ये मलेरिया नहीं करता है फाइलेरिया करता है, इसीलिए फाइलेरियल पैरासाइट, ठीक है। ये दूसरा, अब इसके बारे में याद रखना है वाउचेरेरिया के बारे में, ठीक है। तो वाउचेरेरिया के बारे में जो याद रखना है कि ये किसको अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट इट इज प्रेजेंट इन लिम्फैटिक सिस्टम, लिम्फ वेसल्स होते हैं ना, लिम्फैटिक सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक लिम्फैटिक सिस्टम होता है, लिम्फैटिक सिस्टम लिम्फ वेसल्स लिम्फ कैपिलरीज आएगा, तो लिम्फ वेसल्स में पाए जाते हैं, तो प्रेजेंट इन लिम्फैटिक सिस्टम, ठीक है, एंड कॉजेस, ठीक है, लिम्फैटिक सिस्टम में पाया जाता है और वहां पर क्या करेगा, स्वेलिंग करेगा, ठीक है, एंड कॉजेस स्वेलिंग ऑफ इसका मेनली लिम्स, लिम्स में भी क्या फॉरलिम्ब नहीं हाइंड लिम्स एंड स्क्रोटम SCROTUM स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, टेस्टिस जो है स्क्रोटम थैली में होता है, इसी को स्क्रोटम कहते हैं। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन लिम्फैटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन, दैट इज इट कॉजेस स्वेलिंग ऑफ हाइंड लिम्ब एंड स्क्रोटम मेनली, और इसी को कहते हैं क्या फाइलेरिया, फाइलेरिया, ठीक है। किसी का पैर फूल जाता है, फूलते जाता है स्क्रोटम फूलते जाता है, तो ये क्या हुआ फाइलेरिया, एलिफेंट जैसा पैर हो गया ना, हाथी पाव, तो इसीलिए एलिफेंटेसिस भी कहते हैं, ELEPHANTASIS इसको एलिफेंटेसिस, तो ये एलिफेंटेसिस करता है, ठीक है, पहला। दूसरा, इसका फीमेल ये कहां पाया जाएगा, डाइजेनेटिक होता है, तो डाइजेनेटिक होता है इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज इट, डाइजेनेटिक है इसका मतलब क्या होगा कि इट रिक्वायर्स टू होस्ट, एक तो ह्यूमन हो गया और दूसरा क्या हुआ, ह्यूमन और दूसरा दैट इज फीमेल क्यूलेक्स मस, तो कह सकते हैं दूसरा चीज याद रखेंगे सेकेंडरी होस्ट इसका क्या हो गया, सेकेंडरी होस्ट इज दैट इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये याद रखना है, ठीक है। ये विविपैरस होते हैं, क्या होते हैं विविपैरस, विविपैरस मतलब ये बच्चे को जन्म देते हैं, वर्म जनरली क्या होता है, वर्म जनरली बच्चे को नहीं पैदा करते, ये अंडा देते हैं, अंडा फिर उससे निकलता है, ये डायरेक्टली बच्चे को पैदा करते हैं, तो इट इज विविपैरस, ठीक है, ये बच्चे को डायरेक्टली पैदा करते हैं। दूसरा ये हो गया विविपैरस, सेकेंडरी होस्ट हो गया ये। इसके बाद वाउचेरेरिया में आपको याद रखना है, ठीक है, और क्या याद रखेंगे, एक लिम्फैटिक सिस्टम में हो गया, एलिफेंटेसिस करता है हाथी पाव, सेकेंडरी फीमेल के रेस्पॉन्सिबिलिटी विविपैरस, और ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के में ये क्या होता है, थोरेक्स के मसल में दो बार माउंट करता है, याद रखेंगे, इट माउंट्स ट्वाइस इन कहां पर, क्यूलेक्स थोरेसिस मसल, थोरेसिस मसल, तो क्यूलेक्स के थोरेसिस मसल्स में कितना बार माउंट करता है, ये याद रखना है, दो बार, ठीक है। तो याद रखेंगे ये दो तीन चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके लार्वा को क्या कहते हैं, बता चुके हैं, माइक्रोफिलेरिया लार्वा। तो ये सब कुछ पॉइंट है, लाइफ साइकिल तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, कितने हुक्स होते हैं, क्या होते हैं, ये सब, ठीक है। तो पहला हम एस्कैरिस देखें, दूसरा हुकवर्म, तीसरा वाउचेरेरिया, इसी में, अब इसी में फास्बिटा में ही क्या क्या है आगे यहां लिख रहे हैं, इसी में है, ठीक है, तो इसी में है। तो नेक्स्ट जो है उसको कहते हैं ड्रैकुनकुलस, ड्रैकुनकुलस, ठीक है, ड्रैकुनकुलस, ठीक है। तो ये ड्रैकुनकुलस ऊपर नहीं आ रहा होगा,
तो ड्रैकुनकुलस जो है इसको नीचे कर दे थोड़ा सा इधर, ठीक है, ड्रैकुनकुलस। तो ड्रैकुनकुलस जो है कुलस डी आर एस यून सी ओलियस, इसको मेडिनेंसिस कहते हैं, एम ई डी आई एन ई एन एस आई एस, क्या कहते हैं, ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है, ये नाम है। तो ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो लार्जेस्ट राउंडवर्म है, राउंडवर्म भी सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, तो इट इज लार्जेस्ट राउंडवर्म, इसके बहुत सारे नाम है, तो इट इज कॉमनली नोन एज एफ आई ई आर वाई फियरी सर्पेंट, एस सी आर पी एन टी, इसको फियरी सर्पेंट कहते हैं, ठीक है, और इसी को मेडिना वर्म भी कहते हैं, मेडिना वर्म, ठीक है, और ठीक है मेडिना वर्म कहते हैं, तो दिस इज नोन एज फियरी सर्पेंट, मेडिना वर्म, ये सब नाम है। अब ये ड्रैकुनकुलस के बारे में तीन चार पॉइंट याद रखना है, इट इज लार्जेस्ट राउंड वर्म, ठीक है, इसका भी होस्ट क्या होगा, दो होते हैं, ठीक है, तो दूसरा सेकेंडरी होस्ट जो है ये याद रखना है, सेकेंडरी होस्ट इसका क्या है, साइक्लोप्स कहते हैं। साइक्लोप्स क्या है, इट इज अ आर्थ्रोपोडा, ठीक है, क्या है ये, आर्थ्रोपोडा में आएगा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में भी क्या है, क्रस्टेशियंस पढ़ेंगे आप, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस है, ठीक है, क्रस्टेशियंस क्लास में देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा में ये आता है, तो आर्थ्रोपोडा में है इसका सेकेंडरी होस्ट, क्या हो गया, तो सेकेंडरी होस्ट इसका हो गया दैट इज दिस, ठीक है, और ये पूछेगा कि ये कहां पर होते हैं, तो स्किन में रहते हैं, इट लिव्स इन स्किन, तो स्किन के नीचे रहते हैं और ब्लिस्टर करता है, तो दाग जैसा, इट लिव्स इन अंडर स्किन, लिव्स अंडर स्किन, ठीक है, एंड कॉजेज व्हाट, एंड कॉजेज ब्लिस्टर्स, दाग जैसा कर देता है, ठीक है, तो अंडर स्किन करते हैं और ये ब्लिस्टर करते हैं, ये कह सकते हैं सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना राउंडवर्म जो है डिस्कवर्ड कौन है, यही है, इट इज ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड, ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड क्या, राउंडवर्म, ठीक है, ये पांच पॉइंट याद रखेंगे, ये हो गया ड्रैकुनकुलस, ठीक है, तो ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस, पास्कैरिस अंटारियस वाचेरिया ड्रैकुनकुलस, ठीक है, और देखते हैं तो और जो देखेंगे दैट इज ट्राइकिनेला, नेक्स्ट वन इज ट्राइकिनेला, टी आर आई सी एच आई एन ई डब्ल एल ए, ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइकिना वर, ठीक है, ट्राइकिनेला और ट्राइकिना वर, ठीक है, तो ये ट्राइकिना वर क्या होता है, ये याद रखिएगा, ये विविपरस होता है और ये इट इज विविपरस, ये भी विविपरस होता है, ठीक है, यहां पर देखे थे ये क्या था, यहां विविपरस है ये भी, ठीक है, इट इज ऑल्सो विविपरस, ये बच्चे को पैदा करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और ये कहां पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से हमारे मसल्स में चले जाते हैं, तो कहां पर, स्ट्राइड मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स में एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है उसका, इसमें इसके बाद एंट्रोबायस, ई एन टी ई आर ओ बी आई यू एस, इसी को कहते हैं ऑक्सिलिस, ओ एक्स वाई यू आर आई एस, ठीक है, एंट्रोबायस और ओ एक्स वाई यू आर एक्सिलिस कहते हैं, ठीक है, तो एंट्रोबायस और ऑक्सिलिस, ठीक है, इसको कहते हैं पिन वर्म और सीट वर्म, ठीक है, ये देखेंगे इसमें क्या होगा, फीमेल जो होगा ना, ये याद रखेंगे कि इसमें फीमेल एंट्रोबायस जो होता है, मेल नहीं, फीमेल एंट्रोबायस कॉजेस एनल इचिंग, एनल इचिंग, ठीक है, तो एनस के चारों तरफ है इचिंग होता है, ठीक है, एनस के चारों तरफ क्या होता है, इचिंग होता है, एंड दिस इचिंग इज ड्यू टू फीमेल एंट्रोबायस, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोबायस ऑक्सिलिस, ठीक है, तो फीमेल एंट्रोबायस कॉजेस एनल इचिंग, और ये एंट्रोबायस जो देखेंगे, ठीक है, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं पिन जैसा होता है छोटा सा एकदम,
पिनवर्म और सीटवर्म कहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो इंट्रोबायस और ऑक्सिलरिस कह सकते हैं पिनवर्म, पिन और सीटवर्म। इसके बाद ट्राइकेरिस, टी आर आई सी एच यू आर आई एस, ट्राइकेरिस। तो ट्राइकेरिस जो होता है इसको कहते हैं ट्राइकेरिस विपवर्म, डब्ल्यू एच आई पी विपवर्म, ठीक है। तो ट्राइकेरिस, ट्राइकेरिस इज कॉमनली नोन एज विपवर्म, ठीक है। और इसका एक और नाम है सर्पेंट वर्म भी कहते हैं। तो इसीलिए हम लिख दे रहे हैं कि में विप और सीआरपीएनटी सर्पेंट वर्म, ठीक है। तो ट्राइकेरिस इज नोन एज दिस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये दोनों के दोनों कहां पाए जाते हैं एक्चुअली में, ये एंट्रोबायोस और ट्राइकेरिया दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों ये पाए जाते हैं दैट इज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इंटेस्टाइन में भी कहां पर, सीकम, सीकम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो दोनों को दोनों लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर और भी देखते हैं, लोअर लोअर, लोअर लोअर। तो लोअर लोअर को कहते हैं आई वर्म, तो नाम से लग रहा है कि आई का इंफेक्शन करेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका एक चीज याद रख सकते हैं, सेकेंडरी होस्ट क्या होगा इसमें, सेकेंडरी होस्ट क्राइसोप्स, सी एच आर वाई एसओ पी एस, साइक्लोप्स नहीं, सी एच, सी एच आर वाई एसओ पी एस, क्राइसोप्स, ये भी आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। इसके बाद गॉर्डियस, ठीक है। तो इसके बाद गॉर्डियस सीक्वेंस में है बड़ा बड़ा, ठीक है। इसके बाद गॉर्डियस, जी ओ आर डी आई यू एस, ठीक है। हॉर्स हेयर वर्म कहते हैं इसको, हॉर्स हेयर, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सा, दैट इज रैपिडिटिस। बताए थे कि ये फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल है, तो आर एच ए डी डी आई टी आई एस, रैपिडिटिस, ठीक है। तो रैपिडिटिस क्या हो गया, तो ये यही जो है फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, ये फ्री लिविंग होते हैं और कहां पर, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल मतलब मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ये क्लासिफिकेशन। एस्केरिस, फिर से बोल दें, एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स, अनकाइलोस्टोमा दैट इज हुकवर, तीसरा वोचेरेरिया बनक्रफ्टी और वोचेरेरिया मलाई, और इसी को क्या कहते हैं, फिलेरिया वर्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस, इसको क्या कहते हैं, फेरी सर्पेंट और मेडिना वर्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रिस्टर करता है। इसके बाद ट्राइकिनिला, ट्राइकिनिला को ट्राइकिना वर्म कहते हैं, ये विवेपैरस होता है, ठीक है। एंट्रोबायस ऑक्सिलरिस, ये फीमेल जो होता है कॉजेस एनल इचिंग, ठीक है। इसके बाद ट्राइकेरिस विप वर्म और सर्पेंट वर्म, लोअर लोअर आई वर्म, गॉर्डियस हॉर्स हेयर वर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट, ठीक है। ये हो गया खत्म, ठीक है, ये हो गया एंड।